नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान शाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार तथा आजादी के बाद के प्रेमचंद यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में। यहाँ पर हम उनके जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा मानवीय संवेदनाओं को जगजोड़ती हुई, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत उनकी एक कहानी समध्या का आज हम पाठ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिगना नामक गांव में हुआ था। यह लाइन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया था। नेपाल के राणाशाही विद्रोही आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति के प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानियां, उपन्यास, निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन का कार्य किया है। रेणु जी जो हैं वो हिंदी के आंचलिक कथाकार कहानीकार हैं। उन्होंने अंचल विशेष यानी ग्राम विशेष की को अपने रचनाओं का आधार बनाकर उसमें आंचलिक शब्दों का तथा मुहावरों का, वहाँ पर जो गाँवों में प्रचलित मुहावरों तथा शब्दों का प्रयोग करके वहाँ के जीवन तथा वातावरण का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है हमारे सामने। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता यानी कि जो गांव की जनता है उनकी बेबसी और पीड़ा को वे स्वयं ऐसे लगता है जैसे वो स्वयं भोग रहे हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह भी विश्वास जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन की दिशा को बदलने के लिए अकुत यानी कि भरपूर ताकत छिपी हुई है। अब है इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह जिसमें ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम जिसका अन्य नाम मारे गए गुल्फा, इस पर भी कहानी, इस कहानी पर फिल्म बन चुकी है। मेला आंचल और परिकथा इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फणीश्वरनाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार माने जाते हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भगिमा प्रदान की है। उनकी कला सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ को बनाए रखते हुए अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मेला आंचल तथा परती परिकथा जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी कथा के नई परंपरा के जन्मदाता हैं। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम में इतना रसिक, प्राणवान तथा नया आयाम ग्रहण कर चुका है कि नगर और ग्राम के विवादों से अलग उसे एक नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई है। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से जनजीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई है। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेक्षणीय तथा भाव प्रधान है। मार्मिक पीड़ा तथा भावनाओं का द्वंद को उभारने के लिए लेखक की भाषा हमारे अंतर्मन को छू जाती है। अब है संवेदिया जो कहानी है वह संवेदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत की गई है। असहाय और सहनशील नारी के मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा और यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु ने अपने जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। यानी कि रेणु जी को उपनाम आत्मा के शिल्पी नाम से भी जाना जाता है। हर गोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों के संवाद को लेकर रेणु जी पाठकों के सामने उपस्थित हुए हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान और लयमान है। उस गति, लय, प्रवाह और संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम को झंकृत कर देती है। अब है संवदिया कहानी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर गोविंद को अचरज हुआ यानी कि आश्चर्य हुआ। तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में
जबकि गांव-गांव डाकघर खुल गए हैं। संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक की खबर भेज सकता है और वहां का कुशल समाचार मंगवा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी डोडी पार करकर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाजा लगाया। निश्चित ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी मालूम न हो, परेवा पंछी तक को भी न पता चले। पांव लागी बड़ी बहुरिया। पांव लागी एक आंचलिक शब्द है जिसका अर्थ है धोख लगना। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीटी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठे रहने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ में सूपा, एक अनाज साफ करने का सूपड़ा जो होता है, अनाज लेकर पटक रही थी। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपना परिवार पालती थी। कहां गए वो दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सारा खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रेतों ने जमीन पर दावे करके दखल दिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, बेचारी जाती कहाँ? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो एक घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर छीन छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी थी अपने आंखों से द्रौपदी चिरहरी की यह लीला। बनारसी साड़ी के तीन टुकड़े करके बंटवारा किया गया था निर्दयी भाइयों ने, यानी कि उसके देवरों ने भाभी के बनारसी साड़ी के तीन टुकड़े करके उनका बंटवारा भी तक कर दिया था। बेचारी बड़ी बहुरिया, गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से ही आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। आज मैं दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ न बोलेगी। अब वह चुप न रह सका। मोदियाइन का की? अब हरगोविंद ने बोलना शुरू किया। मोदियाइन का की? बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा? सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रहे मुंह जो से निमोचिए। क्या करूं काकी, भगवान ने दाढ़ी मुझ दी ही नहीं, न ही काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकालकर दिखलाई, अर्थात ले खींच ले। 5 साल पहले की बात यहाँ पर बताई गई है कि 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के ओसारे यानी कि बरामदे में दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के जब समय आता तो जोर्म जुल्म करके एक का दो वसूलता। एक बार कई उधार वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव नहीं आया। अच्छी खासी धुनाई कर दी गांव वालों ने उसकी। लेकिन उसके बाद ही दुखिनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव में नाचने वाले ने नाच में काबुली का स्वांग यानी कि नाटक किया कि तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट तुमको खिलाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती हुई गाली देती चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो जाओगे ना? हरगोविंद बोला, कहाँ? बड़ी बहुरिया, मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छछलाई आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा था हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए यानी कि मजबूत कीजिए। और कितना कड़ा करूँ दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों का जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं,
अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ न लेने आएगी तो किसी दिन गले में गड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किसके लिए और किस लिए। हरगोबिंद का रोम रोम कलपने लगा, यानी कि दुख से द्रवित हो गया। देवर देवरानिया भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अघनी पर धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आ जाएंगे। 10-15 दिनों तक कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय दो दो मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के समय आकर हाजिर हो जाएंगे, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके ले जाएंगे, फिर उलटकर कभी नहीं देखते हैं। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से, आंचल के जो कोना होता है वहां से 5 रुपए का गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च तो नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोबिंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा। बड़ी बहुरिया, तुम कहाँ से इंतजाम करोगे। हरगोबिंद, मैं आज 10 बजे गाड़ी से जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोबिंद को देखती रही। हरगोबिंद हवेली से बाहर आ गया, तभी उसने पीछे से सुना कि बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संदेश वाहक, जो संदेश ले जाता है। हरगोबिंद संवदिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते, आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद का प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस स्वर में संवाद सुनाया गया था ठीक उसी ढंग में जाकर सुनाना कोई सहज काम नहीं है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला कामचोर पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है, जिसके न आगे नाथ हो न पीछे पहगा, यानी कि न तो आगे माता पिता हो, पालक हो, न ही पीछे कोई बाल बच्चे हो। बिना मजदूरी लिए जो गांव-गांव संवाद पहुंचावे, उसको और क्या कहेंगे, औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भला कोई मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर में माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया था। लेकिन ऐसा संवाद वो पहली बार ले जा रहा था। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोबिंद को पुराने दिनों के संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर से उसके कानों के पास गूंजने लगी, पैया पड़ू दाढ़ी धरूं, हमारो संवाद ले ले जाऊं रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक अक्षर उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी, एक नौकर था वह भी कल भाग गया, गाय खूटे से बंदी भूखी प्यासी हिकर रही है, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं। हरगोबिंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं। यात्री ने लगभग मानो कुड़कर ही कहा, यानी चिढ़कर कहा कि थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। हरगोबिंद ने भांप लिया कि ये आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई है वह वहां भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा कि 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, गाड़ी पहुंची और तुरंत भोपे से आवाज आई, अपने आप निकलने लगी। थाना बीपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाली यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले आए, गाड़ी लगी हुई है। हरगोबिंद प्रसन्न हुआ, कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सच में स्वराज्य आया है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई थी। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया की करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए और किसके लिए ये बथुआ साग खाकर मैं कब तक जीऊं। थाना बीरपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी
भारी हो गया। इससे पहले भी वह कई बार भला बुरा संवाद लेकर इस गांव आया था। ऐसा कभी नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इस पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मेके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी और फिर कभी ना आवेगी। हर गोविंद का मन कलपने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर आवेगी। किस मुंह से यह वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसा कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हर गोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? अनिच्छा पूर्वक हर गोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हर गोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार, ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है, यानी बारिश हुई है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हर गोविंद को नहीं पहचाना। हर गोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी हैं। हाथ मुंह धोने के बाद हर गोविंद को की बुलाहट आंगन में हुई। हर गोविंद अब कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखें, सिसकियों भरा संवाद। उसने बड़ी बहुरिया को बूढ़ी माता की पांव लागी की, यानी कि बड़ी बहुरिया ने जो माता को पांव लागी कहा था उसने करी। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हर गोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा था कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर आऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हर गोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया ने ही के ही ऊपर है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यही रहेगी। अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, जो है वो बहुत है। टूट भी गई है तो सिर्फ आखिर बड़ी हवेली ही। स्वांग नहीं, यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ से हर गोविंद को जलपान लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हर गोविंद को लगा कि बहुरिया दलान में बैठी उसकी राह देख रही होगी, भूखी प्यासी। रात के भोजन करते समय भी बहुरिया मानो उसके सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हर गोविंद ने थाली की ओर देखा, दाल भात तीन किस्म की भाजी घी पापड़ और अचार। बहुरिया बथुआ साग खाकर उबालकर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं? माई जी पेट भरकर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करने के बाद भी एक थाल भात खाता है। हर गोविंद से कुछ खाया नहीं गया। संवदिया जो होता है वो डटकर खाता है और अफरकर सोता है, किंतु हर गोविंद को नींद नहीं आ रही थी। उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए यहाँ आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बहुरिया क्या सही संवाद सुना देगा अक्षर अक्षर। माई जी आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है कि भाभी के बच्चों का जूठन खाकर वह कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हर गोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने
बहुरिया बेटी रही सिसकती और आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया और संवाद, वह संवदिया है यानी कि संवाद देने वाला है, उसका काम है कि सही सही संदेश पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या हुआ, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है, एकाध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, आज्ञा दीजिए, दशहरा में भी मैं बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिन तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोबिंद आंगन से निकला तो बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोबिंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोबिंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे थे उससे तो सिर्फ कटिहार तक का ही टिकट वह खरीद सकेगा, और यदि चौवन्नी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही, बिना टिकट वह स्टेशन पर भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब सी हो गई। वह कहाँ गया आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सुरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सुरदास के गीतों को सुनकर उसे उसका जी थोड़ा सा स्थिर हुआ कि वो सुरदास जिस गाने की जो गाना गा रहा था उसकी पंक्तियां हैं कि अहो रामा नेहरा को सुख सपन भयो, अब देश पिया की डोली चली, भाई रो मती यह कर्म गति। सुरदास चला गया तो उसके मन में बैठी बहुरिया फिर से रोने लगी, किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर यानी कि सुबह में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। बोपे से आवाज आ रही थी, बेरगादी कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले आए। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना था किंतु अब वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा, उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस, बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, 20 कोस की मंजिल कोई दूर मंजिल नहीं है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक तो वह मानो बाई के झोंके पर रहा यानी कि बहुत ही उत्साहित रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया, पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए, नहीं वह इसमें से एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया डबडबाई हुई आंखों से उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बेटी राह ताकती रहूंगी, 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखलाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। यहाँ मानवीकरण अलंकार आया है कि ताड़ जो है उसका यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनुष्य ही उसको देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली की दलान में चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही थी बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी, हमरो संवाद ले जाऊं रे समदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद, यह कौन गांव है? पहली साँझ में ही अमावस्या का अंधकार, किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है, ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया है। इस गांव में आदमी रहते हैं या नहीं? कहीं रोशनी नहीं है, किससे पूछे कहाँ है वह रोशनी या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर?
यानी कि इस समय जो हरगोबिंद है थक कर चूर हो गया है और उसे अब थकान के कारण अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये गांव है या वो। अजीब सी स्थिति उसके सामने उपस्थित हो गई है। हरगोबिंद भाई आ गए, बड़ी बहुरिया की बोली है या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है। हरगोबिंद भाई क्या हुआ तुमको, बड़ी बहुरिया। हरगोबिंद के हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है, सामने छाया छूकर बोला, बहुरिया। हरगोबिंद भाई अब जी कैसा है, लो एक घुट दूध पी लो, मुंह खोलो। हाँ हाँ पी जाओ। हरगोबिंद होश में आया, बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कर सका, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो, मैं अब निठल्ला नहीं बैठूंगा रहूंगा, तुम्हारा सारा काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। बड़ी बहुरिया दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने यानी उसको मिलाने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। अब इसके जो शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। संवदिया, संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने वाला, मार्फत माध्यम, तरीका जरिया, परेवा कबूतर या कोई तेज उड़ने वाला पक्षी, सूपा छाज या सूपड़ा, रेयत यानी कि प्रजा, हीकर बेचैन होकर पुकारना, अफरना पेट भरकर खाना, चूड़ा यानी चिवड़ा यानी कि चावल के छोटे छोटे दाने टुकड़े जो होते हैं वो, बहुरिया पुत्रवधु, दखल हस्तक्षेप अधिकार मांगना, आगे नात ना पीछे पहगा, पगहा यानी कोई जिम्मेदारी ना होना, आगे पीछे कोई भी ना होना, कलेजा धड़कना घबरा जाना, खोज खबर न लेना, जानकारी प्राप्त न करना, पूछताछ न करना, खून सूख जाना, बहुत अधिक डर जाना। तो यहाँ साथियों हमने संवदिया कहानी को पढ़ा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक इसे शेयर कीजिए ताकि वे इसका लाभ ले सके। हमारा जो ये वीडियो है ये फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए, सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट के लिए तथा कक्षा 12 के लिए उपयोगी है। तो धन्यवाद।